जय श्री राम भाई लोगों से भाई लोग कैसे हो, मस्त हो, मजे में हो। तो मजे में रहना चाहिए। आज एक और नया व्लॉग लेके आया। इस व्लॉग के अंदर भाई सुबह के बज रहे हैं 10:45 और अब मैं जा रहा हूँ शिवा को स्कूल छोड़ने के लिए, क्योंकि बॉस आज बहुत लेट तक खाना खाते रहे और आज बॉस जा रहे भाई बहुत दिनों बाद स्कूल। अब देखो आने के बाद तबीयत सही रहती है या खराब रहती है, क्योंकि जब भी इसको दो बार मैंने स्कूल भेजा नहीं, आने के बाद दो या तीन बार ही गया, ज्यादा गया नहीं है। उसके बाद से बीमारी रहा भाई, बुखार इसकी उतरी नहीं और भाई ट्रैफिक होता ही जा रहा है आज तो। आज का तो मतलब पूछो मत। और ये जो फ्रिया लटक रही है ना भाई, लाल लाल ये वाली, ये इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग है ना। मतलब गाड़ी जब चलाती तो ऐसा लगता है कोई आ गया, बार बार ही नजर जाती है। तो मैं देख रहा हूँ कि आज इनको भी हटाई देंगे भाई। ये किस काम की है, पर को कौन सा डेमो दिखाना है कि भाई इधर उधर ये वो। नई गाड़ी तो वैसे भी नहीं लगती है और ये बोनट वाली फ्रिल है ना, ये भी हटानी पड़ेगी। रिबन, सॉरी फ्रिल नहीं, इस रिबन से क्या होता है, जैसे जैसे गाड़ी चलती है रोड पे डस्ट इसमें फंस के और ये स्क्रैच करना शुरू कर देती है, और जैसे जैसे स्क्रैच बढ़ते चले जाते हैं ना, फिर गाड़ी लगती है भद्दी, बहुत ज्यादा भद्दी। भद्दी नहीं, बहुत ही ज्यादा भद्दी, क्योंकि ये स्क्रैच बना देती है और काले कलर पे तो स्पेशली भैया स्क्रैच आना एक मामूली सी बात है। क्यों शिवाडोन, तो गाड़ी कैसी लगी, सच्ची सच्ची बताना। अच्छी लगी मामा, मेरे को काली गाड़ी में स्कूल छोड़ के आना। स्कूल जाके क्या करोगे आज, पढ़ाई। पढ़ाई करोगे, और पढ़ाई करके क्या बनोगे, पुलिस। पुलिस बनोगे, और फिर पुलिस बन के क्या करोगे, पुलिस बन के कार चलाओगे। किसकी कार चलाओगे, ब्लैक कार। किसकी चलाओगे, तो पुलिस की कार चलाओगे। अच्छा आपकी गाड़ी चलाओगे पुलिस वाली, हो हो। फिर गुंडे भी पकड़ोगे क्या, कैसे पकड़ोगे गुंडों को बताओ चलो ऐसे। और पीटी कैसे करोगे गुंडों की, हट ऐसे। अच्छा स्कूल में वो काली वाली मैम से बात करोगे, गोरी वाली से करोगे आज, गोरी वाली से। काली से क्यों नहीं करते, क्यों, तो यार कोई कारण तो होगा, बताओ तो सही। नहीं करता, नहीं करता क्या होता है, कोई तो रीजन होगा। अच्छी नहीं लगी काली मैम, ओहो। और आपकी वो फ्रेंड कहाँ है, स्कूल में आपकी फ्रेंड आती है ना एक सुंदर सी, है? आती है, देखो बड़ा ब्लश कर रहा है, इसको कुछ नहीं पता भाई, इसको मजा आ रहा है। और धक्का मुक्की मत करना आज भाई, स्कूल छोड़ जाते हैं आज, खुशी खुशी स्कूल जा रहा है। वैसे भैया पूरा घर ही लाके रख देता है स्कूल जाने के नाम पे। तो ये भाई शिवा को स्कूल तो ड्रॉप कर दिया, लेकिन पता चला कि आज तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ पीटीएम है। तो अब मैम बोली कि अब क्या करोगे, इसको स्कूल तो ले आया, फिर मैं बोला चलो इसको आधा पौन घंटे खेलने दो। जिया जी को बोल दिया कि आप जाके पीटीएम अटेंड कर लेना, क्योंकि यार अब मेरी ऐसी शक्ल हो रही है क्या तो पीटीएम में जाऊंगा। मतलब आप लोग खुद को सिस्टम बिगड़े पड़े हो, हैंग पड़े हो यार। आप हजार बच्चा की पीटीएम ले ला यार, मारे तो बेटे को जाना। क्यों मैम, अभी आधे घंटे में इसके ताशरी आ रहे हैं, वही पीटीएम अटेंड करेंगे आज। वरना शिवा की तो मोस्टली मैं ही करता हूँ भाई पीटीएम अटेंड, पीयू की जो उसकी निकल लेती है और भानु की जो दीदी कर लेती है। पीटीएम की क्या पूरी ऐसी जिम्मेदारी बटी हुई है। फिर क्या मुझे सीधा दुकान भी जाना था, पापा कहीं जा रहे हैं, उस वजह से फिर मैं क्या यार मैं लेट हो जाऊंगा उधर जाने में भी, इधर भी कहीं कहीं नहीं रहूंगा, ना घर का ना घाट का। पहले अपन चलते हैं एक बार दुकान, वहां से पापा को कोई काम है आधे पौन घंटे का, वो काम करवा देते हैं, उसके बाद घर जाके नहा धो के आराम से आ जाएंगे। क्योंकि अभी मैं चला गया फिर बागम बाग में पापा कहला तू आयो को नहीं फलानो को नहीं, वो काम भी छूट जा लो और मैं टाइम पाऊं भी गुलार मारू ना, आप ना वो जा लो। इसलिए वो आगो सामान रावण गेट भाई, अभी लेफ्ट घुसता है अपनी दुकान से गायत्री टेक्सटाइल का नाम सुन। दुकान पे आते आज देखो पूरा काम फैला दिया भैया, भाई ये सामान आगे का सेट हो रहा है, आगे वाला शीशा साफ हो रहा है। एक कर्मचारी के आज शादी में जा गया, ये देखो सूल्डे सी शकल का कर्मचारी है ये वाला, ये तो बहुत बढ़िया है भाई। बंटी तो बहुत सही छोड़ो थे यार, आपको काम करते रहो, इनको ही दुनियादारी से मतलब कौन है। और आपने काली गाड़ी देखो कतरी धूल होगी भाई, तो घर जा रही एक बार प्रेशर पंप लगाई है आज जो साफ हो जाए एकदम। पजी लो देखो मैं काल नई गाड़ी ले रहे हूँ, रसगुल्ला पहले तो खुला हुआ, चुनाव वाला बाकी चल रहा है, फालूदा खा लेंगे शाम को, चलो आज शाम में फालूदा मेरी तरफ से। डन 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 डन, गाड़ी बढ़िया लगी, गाड़ी बहुत अच्छी सुंदर, और गाड़ी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। गाड़ी सही तो लगी, हाँ बढ़िया लगी भाई, समझ गया बढ़िया नहीं अच्छी लगती है यार, होनी चाहिए ध्यान ही ना चल गई। मैं तो मेरे को खुद को पता नहीं था, मैं तो अभी ब्लॉक में देखा, मैं गाड़ी लेके आ भी गया, बातें हो रही थी गाड़ी लानी है, बस जाके लेके आ गया। आपसे मिलने आया हूँ, क्यों पतले से हो गए एकदम, मेरी याद आती है आपकी याद का मेरे को तो नहीं पता, पर मेरा मेरी गली की ऐसी तैसी होगी। क्या हो गया गले में, पता नहीं तबीयत खराब हो रही है, कोई बात नहीं, मेरे को रोज याद करते हो, मेरे को पता चल गया। कैसे, ऐसे ही आपके मुंह से मुंह उतर रहा है आज आपका, नहीं नहीं क्या ऐसे खेल रहा हूं। अब ठीक है तबीयत, कितने दिन बाद मिले आज अपन, मेरे को याद ही नहीं है भाई। देखो शिव भानु टॉय से खेल रहा है, आपके लिए काली स्कोर भी लाया हूं। हां चलो टेरेस से दिखाऊं, गला ही तो खराब हुआ, दिमाग थोड़ी खराब हो गया आपका, दिमाग में घिसक गया क्या। ओए 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 भाई, सोसाइटी में सबसे पहले हमारी लगा था ये टेरेस ऊपर, हो रही ये किसकी है, मेरी है।
प्रैंक कर रहे हो ना? ना प्रैंक क्यों करूंगा? ये प्रैंक नहीं, नहीं। यार क्यों प्रैंक करूंगा? प्रैंक कर रहे हो ना यार, किसी और की लाई हो ना? अरे मेरी ये व्लॉग नहीं देखा आज का? नहीं। फिर क्या देखते हो आप? प्रैंक कर रहे हो ना? नहीं कर रहा, किसी और की है। मेरे को कल का मुहूर्त है इसका, कल मुहूर्त करेंगे। आप प्रैंक कर रहे हो मेरे को? पहले गाड़ी ठोकने का प्रैंक किया था, अब प्रैंक ही कर रहे हो मेरे को पता? अरे नहीं कर रहा प्रैंक। अरे कर रहे हो, मेरे को रिप्ले चेक करो। रिप्ले मतलब अच्छा पहले वाली क्लिप व्लॉग चेक कर लो ना आप कल का। झूठ बोल, चलो गाड़ी के अंदर चल के देख लो। आप झूठ बोल रहे हो ना, किसी और की है। नहीं बोल रहा झूठ, अब तो हो गया विश्वास? नहीं अब भी नहीं हुआ? नहीं। फिर होगा कब? कागज दिखाऊं? कोई पुलिस वाले हो क्या आप जो कागज दिखाऊं आपको? कैसी लगी गाड़ी? सच्ची सच्ची बताना, एन ज्यादा अच्छी है ये ज्यादा अच्छी है? एन ज्यादा अच्छी है, ये भी अच्छी है ना। लेकिन ये किसके लिए लाए हो? मेरे लिए रे। अच्छा, नाना जी को समझ में भी आएगा इसको सिस्टम? क्यों नाना जी नहीं जानते क्या? नाना जी यार भानु आप तो जल रहे हो यार, जलन दिख रही है आपके मुंह पे। आर यू जेलस? नो। यस बेबी नो। एक्स्ट्रा सीट डलो, पहली बात वहाँ से रिकॉर्ड कर रहे हो, यहाँ से करो ना। यहाँ से सोरा आ रहा है रिकॉर्ड। पीछे वाली सीट कैसी लगी आपको? मस्त लगी, पर एक और सीट डलवाओ इसके बीच पे। क्यों तीन सीट करेंगे इसको? हाँ। एट सीटर? हाँ। आ जाओ चलो। एट सीटर नहीं, सेवन सीटर। अब गाड़ी के दो पावना तुरंत आ जाता है, पावनों को पता चल जाता है गाड़ी धुल रही है। हो गई साफ, हो गई। शिवा शिवा ये कौन सा बलून वाला है? कौन सा वाला बलून? ले लो। कितने का दिया? 300 का बलून। ये आप तो जाओ, हमको तो नहीं लेना बलून। एक बलून 300 का लेना ही पड़ेगा। लो 300 रुपए ले लो। दे दुकानदारी थोड़ी कर रहे हो, दादागिरी कर रहे हो। चलो चलो बेच के बताओ, बलून कैसे बेच रहे थे अभी साइकिल चला के? बलून ले लो। तो ना धोने के बाद भाई पूजा पाठ किया। आज मम्मी बोल रही है कि गोपनीय नवरात्र चालू हो गए, तो भाई टीका देखो। हमेशा मम्मी मेरे टेढ़ा निकालती है, आज फिर टेढ़ा निकाला। क्यों निकाला थे टेढ़ो? टेढ़ो निकला ही चाहिए, टेढ़ो मैं काहे करूं? क्यों तो? अब छे कोई कृपा भाई माता रानी जाओ, मैं डेली घर जल्दी टाइम पाऊं। और क्या हो रहा है भाई? हां क्या हो रहा है? मेरी पिटाई क्यों की जा रही है? इसका कोई एक कारण बता दो। है कोई तो कारण होगा। हाँ रुक गया। ओ ये मार दी भाई, मेरे सिर पे मारी सीधी। जब से आया ना तब से मेरा पीछे नहीं छोड़ा। मेरे को खाना खाना है। खाना मैं खाने नहीं खाऊं? सारा माला आप ही खा लो। लो आप सबको भाई माता रानी के दर्शन कराऊं, जोत का दर्शन कर लियो। सबसे पहले तो जो दूर रहे अगर सुबह दर्शन कर लियो, करने रहे तो कराई कर लेना। तो भाई माँ को मंदिर देख लियो, नवरात्रा से माता रानी का सबन आशीर्वाद हुआ है। तू भी माता रानी की जी, लाल 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 कपड़ा। भाई किस किस को लगता है कि इसके अंदर अंदर जाके टर्बो है इस कट में से? भाई पहले इसमें टर्बो आता था, टर्बो वो सब हटा दिया यहाँ से, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पैक कर दिया। और इसमें है ना वाइपर का पानी इधर नहीं डलता, इधर कोने में जाके छोटा सा। भाई अब अपन चल दिए दुकान, और दुकान जाकर के आज थोड़ी साफ सफाई करवानी है, क्योंकि ऊपर वाला जो पोर्शन है बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है। और मैं आते आते भाई वैक्यूम भूल गया। और वैक्यूम का मतलब आप जानते हो ना? वैक्यूम नहीं है, वैक्यूम का मतलब है कि पिताश्री ने कहा था कि लेके आना, और हम भूल गए। तो आप जानते हो आप क्या क्या बोलेंगे वो भाई ब्लॉग में कहेंगे उनके। फिर एकांत में कहते तने एक काम दी जो ही को नहीं हो, बता किया साफ है। अब भाई जार साफ सफाई कर लो आज, एकदम चमकानी चाहिए ऊपर का पोर्शन, एकदम नीट एंड क्लीन कर ला, ताकि कहीं थोड़ी बहुत जो डस्ट रह जाए वो साफ हो जाए यार। ऊपर भी है तो मैं कस्टमर कौन चला पाऊंगा, क्योंकि ऊपर यहाँ मतलब गोदाम टाइप सू रह जाओ, क्योंकि इतना ज्यादा माल रह जाए जिन्हें अगर सेट कर भी दो ना, और एक बार कस्टमर ऊपर जाए और एक लाइन ने खींच लियो, बस फिर तहसनहस हो जाए। तो आप चला जाए सबसे पहले तो पापा ने खानो खिलाओ जाए, बी के बाद में बिन थोड़ा बहुत सेट कर ला। और भी मैं दो तीन काम जाए, ये गाड़ी के पीछे जय श्री राम लिखा हो जाए, और भी काम जो छोटा मोटा पे सारा काम आज फ्री कर लेना आप। तो यहाँ बता अति लेट कहीं आयो आज? पापा मैं आज बहुत जल्दी आयो सुबह को, नहीं था काम कुन करार को ब्लॉग में सब पूछ है करा नहीं था आज हम को नोगे में आऊंगे। कितने बजे स्कूल से जायो? शिवा ने जीजा जी ले रहे जा, मैं छोड़ रहा हूँ। और शिवा तो कहीं जो आज साइकिल वो कल बोलते ही ले जाएंगे बेटा। हाँ बोलने साइकिल पे लगा, बोल ले लो कर रहे सर उन्होंने भाग साइकिल ले। अच्छा मैंने बताओ ये लाल लाट कोई छोरी छोरी देख रहे ब्याह करा देने को? देखे यार एक छोरी आ रही भाई, बात छोरी बताऊँ क्या आने की चाहिए? सही बताऊंगी तेन मैं, डामर को कलर हो जाने भाभी, डामर भी गोरी जी छोरी देखो नहीं, 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 बढ़िया छोरी। बताओ की लड़की देखो, बढ़िया सुंदर सुशील लड़की देखो, होटल मैनेजमेंट को कोर्स करेड़ी, और इसु 10 साल बड़ी उम्र में बड़ी बच्ची तो बहुत बढ़िया थी। और नहीं होटल वाली छोरी चाहिए जी ने, होटल की लाइन में 2 रुपया कमा दे, रोटी खाने बना दे। हाँ मैनेजर पोस्ट पे हो नहीं का आराम सु भाई का ब्याह में बारात को नाश्ता को व्यवस्था भी होटल में हो जाए, बढ़िया करवा देना। चलो मैं कोई काम जा रहा रही जाए, कितनी देर में मैं पापा आ जाऊंगा 6-7 घंटा। 6-7 घंटा कोई टाइम हो चुका बेटी का बाप? मैं आधी घंटा कूट पे मांगूंगा, आधी घंटा हम दो मेरे
आधे घंटा बुला लीजिए, फोन कर लीजिए, आ जाऊंगा मैं। हाँ लोगों ने काली गाड़ी को दुख दिखाऊं, मैं सुबह साफ करी जो एकदम और धूल जम गई भाई बोनट पे पूरा पे। जब की गाड़ी जाना कोई धूल माटी फोन खड़ी जी एकदम मस्त छाया के अंदर बिल्डिंग के नीचे खड़ी जी, लेकिन भाई ब्लैक कलर ने तो अतरो ज्यादा प्यार से धूल मिट्टी जी की कोई हद कोने। तो अब आप ही गाड़ी के पीछे जा रहे थे भाई जय श्री राम लिखा हुआ और अपन गए दो तीन पेमेंट उठाना चाहिए कोई करना, मतलब काफी लंबो टाइम हो गया यार बात चीजें पेंडिंग पड़ी जी। तो मैं देखिए आज सल्ट लिया आपसे सोच रहे कौन कर लेना है भाई, सब चीजें कौन बताऊँ भाई गोपनीय चीजें यार। तो बहुत लंबा टाइम से पेंडिंग चालू है यार, सारा पेमेंट आज कलेक्ट कर लिया था ताकि काम आ सके आपने। तो अभी चला जा भाई लेर आपने गोविंदपुरा में जब भाई जाकर मैं काम कराऊं जो हमेशा, तो बाकन जा रहा काम करा लेना। तो भाई इस बार ये वाला फोन लिया है अपने जय सियाराम, इसके अंदर थोड़ी सी डिजाइन डला दी हूं करके कि भाई राम जी को भी थोड़ा मॉडर्न बना देते क्यों भैया, कपड़े खुलवाएंगे ना आपके। तो भाई मैं जैसे कि हमेशा गोविंदपुरा स्टैंड पे आता हूँ, साहू हेलमेट के नाम से अपनी शॉप है ना, तो इन भैया के पास आता हूँ, सुनील भैया नाम है इनका, स्टिकर भी बढ़िया लगाते भाई, कलर नहीं जाता सबसे बड़ी चीज। तो भाई सेंटर मिलाना भी एकदम खंडे की दार है, ये लो भाई लग गया जय सियाराम, पूरी पॉलिथीन हटने के बाद और सुंदर लगेगा एकदम, जान सी आ जाती शब्द चिपकते गाड़ी पे है ना। तो भाई छोटाला बालाजी का दर्शन कर लिया और एकदम शानदार दर्शन यार, आज गए जटे कोई नारियल वालों मिले को यार, मन तो अटे अक्सर जने नारियल वालों मिली जाए तो नारियल का भाई आप तो फिर कर लगा मैं पीछे डाल दिया, तो छोड़ा नारियल ही जो लेकिन का ही कराया फिर नेक्स्ट टाइम छोड़ा देना, नहीं तो हमेशा नारियल वालों रही जाए। और भाई गाड़ी का आईब्रो देखो कितना प्यारा लग रहा है, लाइट भी बहुत मस्त एड वायरल हुई भाई स्कॉर्पियो को, लेकिन चलो भाई कोई बात को यार आज जिम जाबा को मन बिल्कुल कम सो रही है पता को नहीं क्यों अजीब सो रही है, मन ले जा रहा था और शिवा की शुगर उगर चेक कर रहा था, देख लो मैं जद को ऑब्जर्व फ्री हुई भाई कत्ता काम आज टम से टम बहुत सारा काम चाह रहा है, हर जगह तो वीडियो कौन बना पाओ आदमी, अब जब मंदिर में भी बार वीडियो खटे बना पाओ यार भीड़ चाहिए यार थोड़ी ज्यादा, फिर अच्छो को लगे यार दुनिया से कौन जो देखभाल लग जाए यार का ही कर रही यहाँ भाई, छोटा बालाजी के बिल्कुल शांतिपूर्वक आदमी आओ ज्यादा भीड़ भड़क को रहे लेकिन साइलेंटली रहे सबका। भाई शिवा की शुगर आई है हाई, क्या चक्कर आज हाई कैसे आई, बस दोनों स्कॉर्पियो की चाबी ले रखी है और भाई आज इसके दोनों साइड इंजेक्शन लगाए पीछे मैंने क्योंकि हाथों में जगह नहीं हो रही, हाथ सूज गए मम्मी इसके, थोड़ा बर्फ बर्फ रगड़ दो हाथों पे, नहीं भाई तेरे को जुकाम लग गया अपने जुकाम उठेगी वो टिकड़ेगी तो अच्छी खा रहे हो भाई, मम्मी कहीं गजे अभी मेडिकल वाला का जा वो कहीं दवाई दियो जो सी अभी एक दवाई कमाए का गारंटी कर ली तो तार शरीर से इम्यूनिटी का काम कर मारे बेल गिर की खांसी जब मतलब वो थोड़ी अरे जुकाम जाने भी तो चाहिए जे नहीं नहीं औली तो ठीक है बोल भी हां औली करम से ही कौन करेड़ा था का? करम तो कहीं बताओ क्यों सिवा भाई हमारे घर में देखो हम तीनों अलग अलग कोने में बैठे, ये इधर और मैं इधर, क्योंकि तीनों एक जगह बैठे फिर कोई काम नहीं होगा, वो कच्चा बादाम खा रही तू कॉफी पी रही मजा है और वो तीनों आइटम अलग अलग। अरे गुड मॉर्निंग उठ गए क्या सोके, अरे यार तो पिछड़ा आज मैं को एक बात अलग ही ना करो रजम क्यों मत बनाओ भाई, कितने घंटे सो लिया आज, तीन घंटे सो गई शिवा मामी, शिवा बोल रहे बोल बोल खेलो, हाँ तो खेलो लाओ शिवा बोल बोल खेले, अब देखना इसको कैसे मजा आएगा दिखाता हूँ, देखो मैं मारूंगा पहले मैं मारूंगा वो गई बोल, अब बस यूं यूं बात करेगा और कोई बोल बोल में कोई बड़ा काम थोड़ी करेगा, ये देखो और सुनाओ पूछो क्या प्लान है फिर आपके 14 तारीख के एनिवर्सरी या वैलेंटाइन डे के, हाँ, 14 यार वैलेंटाइन डे तो मनाएंगे किसी के साथ भी और एनिवर्सरी का तो है ही आपको पता, वैलेंटाइन डे तो बनाएंगे ही ना, नहीं नहीं वही बनाओ आप सिर्फ, आपके क्या प्लान है, मेरे तो कोई प्लान नहीं है फिर भी बसंत पंचमी उस दिन, अरे यार बसंत पंचमी से फिर तो भाई बसंत पंचमी बनाओ ना वैलेंटाइन डे कौन बनाओ, तो फिर एनिवर्सरी को कहेंगे मुंडो क्या कट रही थारो आदो फोन में दिखे कौन तन कट रही जको, तो धन भी रहे मेरे मुंडो ही हो रहे अभी सो के उठी हूं फिर भी दिखा हां को, अगर भगवान अत्रो मुंडो मुंडो ही दे दियो तो जरूरी से भी ना आदो भी काटो, रुको एकदम ब्राइटनेस बढ़ा दो दिख रही होनी चाहिए, हां दिख रहा बोरे के गंदी शक्ल हो रही मेरी मत दिखाओ, बताओ यार अब सुल्डी की बरगी शक्ल ने सुल्डी की बरगी दिख ली ने, क्यों दिखा रहे हो, तो देख मारी एनिवर्सरी तो मैं तो भाई साहब तेल को मचाऊंगा जी हां, ये मान ले कि भाई तीन चार जगह एनिवर्सरी बना ली फिर क्या सिस्टम से बनाऊंगा यार, बनाओ तुम्हारा बर्थडे भाई, अच्छा नहीं एनिवर्सरी पर थे आया तू आई था रोई पड़ना चाहता तो भी कोई आया एनिवर्सरी पर भी कोई नहीं आया, अरे ओ ओ कौन सी करवा चौथ पर कोई नहीं आया, करवा चौथ पर कोई नहीं आया, क्या कोई नहीं आया, याद करो याद कर शिवा मैं करवा चौथ पर गया था ना, शिवा आपने बनाई थी करवा चौथ, क्यों ऐसे नहीं बनाई, शिवा का उस दिन मूड खराब था, आज स्कूल जाके आया शिवा और जाके आते ही बीमार हो गया वापिस, स्कूल जाता ही बीमार हो रहा हूँ जमे, अच्छा
एनिवर्सरी फिर यहाँ करा 14 तारीख की टाल और आप बना ले जाए एनिवर्सरी ने आगे किसका किस 16-17 तारीख ने ठीक है एनिवर्सरी किसके भी तो चाहे आगे कौन किसके ना किसके तो कौन किसके फिर एनिवर्सरी नहीं बनाओ तो फिर कोई अन्याय हो जाए अरे भाई एक ही भी एनिवर्सरी बना ली भाई देख आपकी बना देंगे ठीक है आपकी एनिवर्सरी बनाए भाई एक ही तो एनिवर्सरी बनाई तो फिर तू आ जा फिर यार आगे ने किसका तो ना तो मैं तो आ जाऊंगा पर मैं पहले कोई कट जा रहा हूँ जीपा चाहूंगा फिर अब ध्यान से बता कौन सुखू मैं भी ये जो दिन गुजर रहे भी अभी तार मूड खराब हुआ है ना शिव देखो कैसी लग रही मामी ऐसा अच्छी सच्ची बताना अच्छी बोल रहे टको छोरो देख ले देख ले देख ले ए देख ले अन छोड़ कीजिए ए बाण जा अपना बाण जान तो देख ले लखन देख लांगा जाक और करूं रुको वो हाथ की लाओ जल्दी बनाएंगे एनिवर्सरी टेंशन मतलब आप टेंशन नहीं लेती आपको एक मस्त चीज दिखाऊं क्या ये देखो भाई खा गो आतने भयंकर तरीका सु दिखाऊं देख सबने दिखाऊं आ तब देखो भाई दांत था कसी हुआ मोटे आ सो आओ जी आप पपड़ तो खा लो भाई मजा आओ जी मजा आओ चे तो बैठे बैठे मैंने कर दिया पूरा व्लॉग एडिट कल आपको व्लॉग दिख जाएगा मतलब आप देख रहे होंगे सुबह 8 बजे और अब से कोशिश करूंगा कि डेली 8 बजे व्लॉग देखो क्योंकि बहुत ज्यादा आलसी हो गया था और उसके लिए चाहता हूँ माफी और अभी मैं जस्ट सोच रहा हूँ कि यार अब 10:15 बजे पिक्चर का एक शो है तो देख के आया जाए आज भाई मूवी देखने जाते फटाक देने से क्योंकि पापा भी आ गए मम्मी को पता चलेंगे पापा को अपने आप सेट करती रहेगी मम्मी अपने हिसाब से तो आज के इस व्लॉग को कर देते यही एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आसपास कूड़ा कचरा मत फैलाओ राम राम।